मैं आज की डेट में मांग कर रहा हूं कि जिस तरह भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर कि इन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया है, नष्ट करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो मेरा आरोप है कि भाजपा ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी खतरे में डाल दिया है। इस बात पे ये राहुल गांधी को घेर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री पिछले 2014 के बाद विदेश की धरती पे अपने दिए गए भाषणों को अगर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इस भारत का उन्होंने कितना अपमान किया है। गांधी जो है के माफी मांगने के बहाने भाजपा और भाजपा के मंत्री सरकार अडानी समूह को सरकारी संरक्षण पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। कांग्रेस सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक ने जिस तरह अडानी को फंडिंग की है उसके संबंध में लगातार सरकार से जवाब मांग रही है। भाजपा और सरकार इस मुद्दे पर चुप हैं, जबकि यह मसला सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सबको अपनी जद में लेता है। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी को एक ऐसी संसद की आवश्यकता है जहां पे बहरे और गूंगे सांसद हों। वो जो बोले सत्ता पक्ष उसको चुपचाप सुने, उसका कोई जवाब ना दे, सरकार पे कोई सवाल ना उठाए। सरकार पे अगर सवाल उठाएंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। और इनका ये दोहरा चरित्र है। 2014 से पहले जो इनकी वर्किंग पार्लियामेंट के अंदर थी भाजपा की एज ए विपक्षी दल, उस समय इनके हंगामे को देखिए, उस समय जो इन्होंने आरोप लगाए सत्ता पक्ष पे उसको देखिए। भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही और संसद में गतिरोध। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। क्या कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया? संसद में हंगामा क्यों बरपा है? कैम्ब्रिज के भाषण के बहाने कहीं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना तो नहीं है? ये तमाम पहलू हैं, संसद में क्या क्या चल रहा है ये सब समझना बेहद जरूरी है, हमारे लिए भी और आपके लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, लगातार अंबेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं। जेपी सिंह साहब हैं और संजीव पांडे साहब हैं, और दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मामला है क्या, संसद में गतिरोध क्यों। स्वागत है सर आप लोगों का। नमस्कार सर। नमस्कार, आप ही से शुरू करते हैं संजीव जी। जी देखिए, जी बताएं। मुझे तो ये लग रहा है कि जो चीन के जो वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जिनका तीसरा टेन्योर शुरू हो चुका है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगता है कि जिनपिंग बनने की कोशिश में है, या किसी ने उनको सलाह दी है कि आप जिनपिंग तरह ही भारत पे शासन कर सकते हैं। और जैसे चाइना के अंदर एक सेरेमोनियल पार्लियामेंट है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री भारत में भी इसी तरह का एक पार्लियामेंट चाहते हैं जहां पे उन पे कोई सवाल ना हो। तो मेरा ये मानना है कि जो वर्तमान में जो संसद में गतिरोध है उसमें तीन महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं जिसके कारण गतिरोध पैदा हो गया है। एक तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और उसके बाद राहुल गांधी का भाषण जिसमें प्रधानमंत्री जी के तमाम राहुल गांधी के लगे आरोप और उनके अडानी से विशेष संबंध, और उसके बाद भाजपा के एक सांसद द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर जो एक प्रस्ताव आया है। इसी बीच राहुल गांधी ने लंदन में जाकर जो भाषण दिया कि भारत के पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर दिया जाता है, डेमोक्रेसी खतरे में है, जुडिशरी खतरे में है, तो उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पे भारत का अपमान किया, तो वो माफी मांगे।
और जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। तो ये जो है मुख्य रूप से एक गतिरोध का कारण है। लेकिन देखिए वर्तमान में अडानी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बने हैं। पिछले 10 सालों में पहली बार अडानी सेंटर स्टेज पे है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्ता में आए उसके बाद से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग की कुछ एक स्पेशल विशेषता विशेष विशेषताएं आप देख सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट का वर्किंग डे और आवर्स में आप अगर देखिएगा तो उसमें काफी कमी हुई है। बिल जो है वो बड़े अनडेमोक्रेटिक वे में पास हुए हैं। जैसे एवरेज एक लोकसभा के कार्यकाल में भारत में 1947 के बाद 460 या 465 दिन ऑन एन एवरेज 5 साल में पार्लियामेंट काम करती रही है। लेकिन जो 2014 में जब प्रधानमंत्री सत्ता में आए और 2014 से जो 2019 के बीच उनका कार्यकाल उसमें जो कार्यकाल जो उनका जो 331 दिन वर्किंग रहा पार्लियामेंट, आप देखें कि एवरेज से 100 दिन कम था, 100 दिन से भी ज्यादा कम था। और अगर आप लेजिस्लेटिव वर्क को देखें तो जो बिल पास किए गए वो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे में डिक्टेटरशिप की तरह पास किए गए। बिल जो है 2014 से पहले के अगर लोकसभा के कार्यकाल को अगर देखेंगे या राज्यसभा में अगर देखेंगे तो 70% जो बिल और विधेयक थे वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए। लेकिन जब मोदी आए तो मात्र 20-25% जो बिल्स थे वो कमेटी को भेजे गए। और 2019 के बाद तो शायद एक दो ही बिल होगा, शायद ही हो, जो पार्लियामेंट्री कमेटियों को डिस्कशन के लिए भेजा गया है। मीन्स की प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी को एक ऐसे संसद एक ऐसी संसद की आवश्यकता है जहां पे बहरे और गूंगे सांसद हों, वो जो बोले सत्ता पक्ष उसको चुपचाप सुने, उसका कोई जवाब ना दे, सरकार पे कोई सवाल ना उठाए। सरकार पे अगर सवाल उठाएंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। और इनका ये दोहरा चरित्र है, 2014 से पहले जो इनकी वर्किंग पार्लियामेंट के अंदर थी भाजपा की एज ए विपक्षी दल, उस समय इनके हंगामे को देखिए, उस समय जो इन्होंने आरोप लगाए सत्ता पक्ष पे उसको देखिए। और तो और इस बात पे ये राहुल गांधी को घेर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री पिछले 2014 के बाद विदेश की धरती पे अपने दिए गए भाषणों को अगर चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इस भारत का उन्होंने कितना अपमान किया है, चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे यूरोप के कुछ और देश में हो, अमेरिका में हो। लगातार ये कहते रहे थे कि भारत में कोई आना नहीं चाहता था, भारत की स्थिति बहुत खराब थी, तो इस तरह की बातें कर कर के भारत का अपमान करते थे। तो मैं समझता हूँ कि अब जो ये स्थिति बनी है ये भाजपा को सूट कर रहा है, क्योंकि भाजपा अडानी पे बहस चाहती नहीं है, अडानी सेंट्रल स्टेज पे है। तो ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता या राहुल गांधी की माफीनामी को लेकर भाजपा ही संसद के कार्यवाही को बंद करना चाहती। जेपी सर, पहले हम लोग आपके नाम में भी जे और पी है और एस है, पहले हम लोग सुनते थे लगातार जेपीसी जेपीसी, सब गायब है आजकल। देखिए सर, जेपीसी जो गठित होती है तो चूंकि जो संसद सदस्य उसके सदस्य बनते हैं वो अपनी अपनी पार्टी के व्हिप, पार्टी के अनुशासन और अगले चुनाव के टिकट कि भाई अगर आप जो है सरकार से फुटानी चलेंगे तो अगले चुनाव में जो है आपकी पार्टी आपको टिकट देगी कि नहीं देगी, इन सब से जो है वो ग्रस्त रहते हैं और भयभीत रहते हैं कि ऐसा ना हो कि आला कमान हमारे ऊपर नाराज हो जाए और जो है टिकट से लेके हर स्तर पर बाधा पड़े। फिर जो भी MP हैं वो सभी या MLA हैं वो चाहते हैं कि वो सरकार में मंत्री बने, अधिक से अधिक गुड बुक में जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रहें, पार्टी के रहें। तो JPC में ओवरऑल निष्कर्ष जिस पार्टी का बहुमत रहता है उसी के पक्ष में रहता है, बाकी जो है वो क्या कहते हैं बात नहीं होती। लेकिन बात तो यहाँ ये है कि जो अडानी पर सवाल उठ रहे हैं, जो सरकार की मिलीभगत की बात आ रही है,
और जेपीसी के गठन की बात यह कहते हुए खड़गे साहब ने कहा कि भाई बहुमत आपका है, जेपीसी ऐसा कुछ थोड़ी कर देगी कि जो है जिससे आपकी सरकार को खतरा हो जाए। हाँ, लेकिन जेपीसी ये करेगी कि जब वो सारे कागजात सारे डॉक्यूमेंट देखेगी तो उसमें अल्पमत मत ही सही, अल्पमत ही सही, उसमें ये तो कहेगी ना कि ये सब गड़बड़ी है, वो पब्लिक डोमेन में गड़बड़ी आ जाएगी जेपीसी का। अगर जेपीसी गोपनीय होती और ये होता कि जेपीसी के जो गठन होगा उसका जो भी प्रोसीडिंग होगी सब गोपनीय होगी, बंद लिफाफे में रिपोर्ट होगी, और चाहे सदस्य सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो उस पर कोई भी राय अपनी सार्वजनिक जो है मतलब उसमें कम से कम 5 साल 6 साल या 8 साल, क्योंकि यहाँ 6 साल के लिए ज्यादातर दंडित किया जाता है, जिसमें एक सत्र जो है वो क्या कहते हैं लोकसभा या विधानसभा का 5 साल का बीत जाए तो कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ने पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया। गांधी जो है के माफी मांगने के बहाने भाजपा और भाजपा के मंत्री सरकार अदानी समूह को सरकारी संरक्षण पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। कांग्रेस सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक ने जिस तरह अदानी को फंडिंग की है उसके संबंध में लगातार सरकार से जवाब मांग रही है। भाजपा और सरकार इस मुद्दे पर चुप हैं, जबकि यह मसला सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सबको अपनी जद में लेता है। तो ये नहीं चाहते कि वहां बहस हो, नहीं चाहते कि जो है क्या कहते हैं हमको जवाब देना पड़े, क्योंकि ये बैडली जो है वो फंस गए हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये कह रहे हैं कि उन्होंने लोकतंत्र पर सवाल उठाया और जो है इंग्लैंड में जाकर के और वहां ये कहा कि साहब लोकतंत्र को बचाने के लिए विदेशी लोग सामने आए, मतलब विदेशी शक्तियां जो है वो हस्तक्षेप करें सामने आए, जबकि उपलब्ध साक्ष और इस पर बाकायदे हिंदू से लेके और जो आपके गोदी मीडिया नहीं है उसमें लेख लिखे जा रहे हैं, संपादकीय लिखे जा रहे हैं कि जो ब्रिटेन का उपलब्ध साक्ष है पब्लिक डोमेन में उसमें राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से पैरवी की है कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों को घरेलू स्तर पर ही हल किया जाना चाहिए और विदेशी ताकतों की बिल्कुल इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, जबकि भाजपा इसको उल्टा करके कह रही है कि साहब उन्होंने लोकतंत्र पर सवाल उठाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर उन्होंने पेगासस पर सवाल उठाया कि मेरे फोन की पेगासस से जासूसी हुई है, पेगासस जो है वो सरकार टू सरकार जो है खरीदा बेचा जाता है, तो सरकार ने इसका जो है एक ही उपाय था बजाय कहने के कि राहुल झूठ बोल रहे हैं, पेगासस का एक सरकार नाम भी नहीं रही, एक ही मतलब उसका जो है जवाब था कि भारत सरकार ने कैटेगरिकल कहती कि हमने पेगासस नहीं खरीदा, तो जब खरीदा नहीं तो हम जासूसी कहां से कराएं। इस सवाल का जवाब उन्होंने आज तक न सुप्रीम कोर्ट में दिया ना अभी राहुल के जो है विवाद होने पर दिया। राहुल ने कहा हमारे यहाँ बोलने पर आजादी है, माइक हमारा ऑफ कर दिया जाता है, तो अभी आपने पार्लियामेंट में देखा कि पूरे जो है लोकसभा का ही माइक ऑफ कर दिया गया था 15 मिनट, उनका तो ऑफ किया ही जाता है। महुआ में भी मोहित्रा जो है जो टीएमसी की सांसद है वो लोग आरोप लगा रही है कि जो है स्पीकर हमको बोलने का मौका नहीं देते, हमारा माइक ऑफ हो जाता है। सवाल इस बात का है कि तो अब सब लोग खुद प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, अच्छा सरकार क्यों नहीं चाहती कि राहुल गांधी लोकसभा में बोले। मेरा मानना है कि चूंकि लोकसभा की कार्रवाई इन सब विवादास्पद मुद्दों में जे देश के बहुत से लोग देखते हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल लाइनिंग नहीं होती है, लिंकिंग नहीं होती है, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि संसद में किस तरह की बहस हो रही है और इसी को लेकर के संसद को में ये जो क्या कहते हैं पारदर्शी तरीके से की बहस हो रही है कौन क्या कह रहा है इसको देखने के लिए ही इसमें जो है वो लाइव टीवी का प्रसारण शुरू हुआ। अब इनकी देखा देखिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी लाइव जो है बहस का प्रसारण प्रमुख मुद्दों का करना शुरू किया कि भाई देखिए कि वकील साहब ने क्या कहा, बेंच ने क्या कहा है, तो ये पारदर्शिता लाने के लिए नहीं होता है कि भाई वकील साहब ने अंग्रेजी में बोला कि मेरा केस बड़ा कमजोर है लेकिन मुवक्किल के लिए मुझे बहस करनी पड़ रही है, मुवक्किल इस बात को समझा नहीं, अब तो सामने आ जाएगा कि वकील साहब ने अगर ऐसा कहा तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है कि अगर अगर बहस करने के लिए कुछ नहीं तो आपने क्यों मुकदमा जो है लिया, क्यों उससे आपने इतनी भारी भरकम फीस ली। तो कहने का मतलब है कि ये नहीं बोलने देना चाहते इसलिए कि लोकसभा की कार्रवाई पूरा देश देखता है राज्यसभा की, और वो लोग भी देखते हैं जो एक तरह से कोई मायने नहीं रखते लेकिन वोट के रूप में मायने रखते हैं कि किसने क्या कहा।
अब ये सोच रहे हैं कि अब अगर हम उनको बोलने का मौका देंगे तो फिर वो सब बातों को दोहराएंगे, फिर से रिन्यू हो जाएगा। पिछली बार हमने उनके उससे निकाला, क्या कहते हैं, संसद की कार्रवाई से, इस बार निकालेंगे तो होगा, देखिए फिर इन्होंने निकाल दिया, फिर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पब्लिक प्रशासन लगातार खिलाफ होता जाएगा। और नहीं बोलने का मौका देते तो सीधे सीधे जो है, जो राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये सवाल के घेरे में आ रहा है। अब ये राहुल गांधी इंग्लैंड से लौटे नहीं थे, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया होली के बाद, अब अचानक जो है वो राहुल गांधी जो है आ जाए, कल जो है प्रकट हो गए। और नहीं तो उन्होंने इसके साथ जो है वो ये काम किया कि सीधे स्पीकर से मिले कि साहब हमको चार मंत्रियों ने हमारे खिलाफ बोला, हमको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। अब तत्काल तो स्पीकर ने कह दिया ठीक है अब बोलने का मौका रहेगा, लेकिन एक मिनट के बाद ही सदन की कार्रवाई कैसे स्थगित हो गई, इसमें इन बिटवीन द लाइंस क्या है? मैं आज की डेट में मांग कर रहा हूं कि जिस तरह भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर कि इन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया है, नष्ट करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो मेरा आरोप है कि भाजपा ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी खतरे में डाल दिया है। अगर पार्लियामेंट में बहस नहीं होगी, पार्लियामेंट में मुद्दे नहीं उठाने का मौका दिया जाएगा, पार्लियामेंट में सरकार जो है अपनी जवाबदेही से बचेगी, सरकार जवाब नहीं देगी, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जबकि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर मोदी जी के कार्यकाल में है ही नहीं है, आप समझिए कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा में और आपके राज्यसभा में जो है वाइस प्रेसिडेंट, सभापति राज्यसभा और उपसभापति, अगर ये लोग जो है जो अंपायरिंग करने के लिए बैठे हैं, बहस को जो है बैलेंस करने के लिए बैठे हैं, ये सीधे सीधे सरकार के पक्ष में बैटिंग करने लगे तो 13 बैट्समैन की टीम से कोई भी दूसरी क्रिकेट टीम नहीं जीत सकती। क्यों? क्योंकि बाकी है, और बाकी जो दो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर उधर वो है, खैर यहाँ तो एक ही है, लेकिन मान के चलिए भाई डिप्टी स्पीकर भी अगर है या पीठासीन अधिकारी के रूप में कोई ना कोई बैठता है, तो कहने का मतलब है अगर स्पीकर साहब नहीं रहते तो नहीं पार्लियामेंट कैसे चलेगी, संसदन कैसे चलेगा। तो अब इस पर भी बहस करने की जरूरत है कि जो लोग भी जो है क्या कहते हैं आपके लोकसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनते हैं या जो वाइस प्रेसिडेंट है जिनको राज्यसभा चलाने की भी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है और उनके जो उपसभापति हैं उनके भी जो है क्या कहते हैं मतलब पूरा व्याख्यायित होना चाहिए और उनके भी लिमिटेशंस को जो है वो तय किया जाना चाहिए कि वो कितने हद तक सरकार का पक्ष ले सकते हैं। क्या सरकार का पक्ष लेके विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव वो नहीं मंजूर करेंगे, आपका जो है वो आपातकाल में जो है सारे मुद्दे हटा करके और किसी मुद्दे पर जो है बहस किया जाए देश देश के मुद्दे पर उसको स्वीकार नहीं करेंगे, आपका जो है वो सदन की कार्रवाई को स्थगित करके जो बहस कराने वाली बात है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, जब वो कुछ स्वीकार ही नहीं करेंगे, सब जो है सरकार के पक्ष में ही रखेंगे, तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी कहां जा रही है या उसका क्या हाल हो गया? क्यों क्यों ना कहा जाए कि वो दूसरी संस्थाओं की तरह वो भी नष्ट किया जा रहा है। आप ये स्थिति है सर जी। संजीव जी जी, राहुल गांधी ने आरएसएस पे भी अटैक किया है कि एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह काम करता है और सारे जो इंस्टीट्यूशंस है उस पर कब्जा कर लिया है जी। तो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी पे भी अटैक है और उनका जो जन्मदाता जन्मदात्री संस्था है उस पर भी एक साथ ही हल्ला बोल किया है। क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी कॉन्फिडेंट होकर उभरे? देखिए मैं समझता हूं कि जो उनका राजनीतिक सफर अभी तक जो रहा है तो उसमें पहली बार उन्होंने भारत दर्शन किए, भारत की जनता के साथ एक इंटरेक्शन हुआ उनको सीधा, नहीं तो पहले तो आईसीसी में इंटरेक्शन होता था या बहुत लिमिटेड लोगों से इंटरेक्शन होता था। हालांकि इसमें भी जो खबरें आई उसमें यही था कि काफी पहले से ही सारा तय होता था किससे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कहाँ पे चाय पिएंगे, लेकिन निश्चित रूप से चाहे आप लिमिटेड लोगों से मिल रहे हैं, पहले से ही तय लोगों से मिल रहे हैं ये इस दिन अमुक जगह पे इस लोगों से मिलेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल पूरे देश की संस्कृति, पूरे देश के जो ताना बाना है उसको आपने जाके ग्राउंड पे देखा तो इसका लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा, इससे तो आप वो नहीं कर सकते, पूरे देश को एक समझने का मौका उनको मिला है। और ये चीज जो उनके जो नाना या नाना ही लगे पंडित नेहरू, वो तो
प्रधानमंत्री बनने के 20 साल 15 साल पहले पूरे देश को जान चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोग उनको ये सलाह भी दे रहे थे कि नेहरू की तरह आप निकलिए देश में, काफी वो तब निकले हैं जब 50-52 सीटों पे आ गए और कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा कि कहीं क्षेत्रीय पार्टी की तरह न सिमट जाए और धीरे धीरे खत्म ही ना हो जाए। तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस राहुल गांधी का बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी उसके बावजूद देश का जो सिस्टम है, जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस ने पिछले 7-8 साल में अपनी पकड़ बढ़ाई है, जैसा जो कर रहे हैं कि आरएसएस के संस्थाओं में अपना इन्फिल्ट्रेशन किया है और आरएसएस के एनजीओ बहुत काम कर रहे हैं, आरएसएस का अपना एक ढांचा बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है, कार्यालय बन रहे हैं हर जगह, जिलों में उनके एनजीओ के कार्यालय बन रहे हैं, तो इससे मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए एक पैरेलल संगठन तो इनके पास होना चाहिए जो फिलहाल नहीं है। लेकिन चलिए उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, चुनाव में भाजपा को अभी भी 33-34% वोट से ही भाजपा जीत रही है और भाजपा का कोई राष्ट्रव्यापी अभी भी पहचान नहीं है। देश के 50% राज्यों में अभी भी भाजपा सत्ता से बाहर है, 50 नहीं गई 40% राज्य बोलिए, दक्षिण में कर्नाटक को छोड़कर कहीं नहीं है। तो इस लेकिन राहुल गांधी को एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए, लोकतांत्रिक विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए अभी काफी काम करना होगा, मेरा ये मानना है। और जहां तक ये संसद का जो विवाद है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि संसद में जो राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे, विपक्ष बोलना चाह रहा था, वो उससे ज्यादा इस हंगामे के कारण देश की जनता जान गई। मैं समझता हूँ कि मोदी यहाँ पे फेल हो गए हैं, विफल हो गए हैं। अगर ये संसद में ही स्वस्थ बहस हो जाती और एक जेपीसी बन जाता तो शायद मोदी का बचाव ज्यादा होता, लेकिन अब चूंकि मोदी अडानी के जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई कमेटी गठित करने के लिए तैयार नहीं है, तो देश की जनता को ये पक्का विश्वास हो रहा है कि वाकई में दाल में काला ही नहीं है, पूरी दाल ही काली है, तभी तो भाग रहा है। और जहां तक बात आती है राहुल गांधी ने लंदन में क्या बोला क्या नहीं बोला, देखिए अभी हमने शुरुआत में शुरू करी चीन से, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस से, अब राहुल गांधी ने भारतीय संसद में और भारत में लोकतंत्र के बारे में जो कुछ वहां बोला, वो जो वहां क्या राहुल गांधी न बोलते तो क्या ब्रिटेन के लोगों के पता नहीं होता? पता सब कुछ है भारत में से लोकतंत्र किस दशा और दिशा से गुजर रहा है, चाइना में जो कुछ हो रहा है अगर हमें पता है, पाकिस्तान के डेमोक्रेसी में जो कुछ हो रहा है हमें पता है, पाकिस्तान में आर्मी जो कर रही है हमें पता है, तो भारत में जो ये सरकार कर रही है क्या दुनिया को पता नहीं होगा? ये तो बड़ा बचकाना आरोप है। ये राहुल गांधी न भी बताते तो हमें लगता है कि ब्रिटिश अमेरिकन जो वहां के जो जागरूक नागरिक है उनको पता होता वहां जी पार्लियामेंट में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर दिया जाता है। मैं तो कहता हूं कि जो एक विदेशी जो राइटर्स हैं जो लगातार इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, वो पार्लियामेंट के फंक्शनिंग पे लगातार लिख रहे हैं, क्रिस्टोफर जेफर नोट का मैं लगातार आर्टिकल्स लिख रहा हूँ जिसे पार्लियामेंट का फंक्शनिंग, विपक्ष के क्वेश्चन, कितने पार्लियामेंट में बिल पास हुए, उस पर कितने घंटे डिबेट हुए, कितने स्टैंडिंग कमेटी को गई, ये सारी बातों में तो लंदन से ही लिखा जा रहा है। राहुल गांधी न भी बोलते वहां के राइटर लिख रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रस्ट्रेशन है। और बड़ा दिलचस्प मामला है कि जो सांसद महोदय राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना चाहते हैं वो एमबीए की फर्जी डिग्री लिए बैठे हैं। मुझे तो बाद में पता चला कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा? में एडमिशन ही नहीं था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमबीए की डिग्री लिए बैठे हैं, कल वो मंत्री बन जाएंगे। अब उनके एमबीए की डिग्री में कोई पूछ दे, एक सांसद होने के नाते जनता पूछ दे, तो उसका वो जवाब नहीं देंगे। तो मतलब कि ये सरकार कई मामलों में बड़े एक्सपर्ट नजर आ रही है, बिना डिग्री के मंत्री हैं, बिना डिग्री के सांसद हैं, और ऊपर से कहते हैं कि अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि जो दो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के दो जो इंपॉर्टेंट बंदी हैं लोकसभा और राज्यसभा, जो अभी स्थिति है जो राज्यसभा और लोकसभा को
चलाने के लिए जो जिम्मेवार जो इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, ये जो तमाम लोग हैं, इनकी भूमिका एकदम ही बाश नजर आ रही है। ये पूरी तरह से सत्ता पक्ष के हथियार के तौर पर काम कर रहे हैं। सामान्य रूप से भारतीय इतिहास में शुरुआत में 40-50 सालों में ये स्थिति कभी नहीं आई थी। हमेशा अध्यक्ष हो या राज्यसभा में जो चेयर कर रहा हो, या डेमोक्रेटिक वे में सारी पार्टियों को वो बराबर की नजरों से देखता था। वो देश के 70-80 करोड़ वोटरों के जो प्रतिनिधि थे, वो सबको बराबर का हक देता था। 545 जो सांसद है, सबको बराबर का अपना सदस्य समझता था। लेकिन इस समय तो लोकसभा का स्पीकर या जो उपराष्ट्रपति महोदय जो राज्यसभा को चला रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर हैं और उनके लिए सिर्फ यहाँ पे वो काम करने के लिए बैठे हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बुरे दिन इस समय। जेपी सर जी, ये जो पूरा हो रहा है जिस तरीके से घटनाक्रम जी, ये सरकार की मजबूती का प्रतीक है या डर है? दूसरा कि राहुल गांधी क्या सिर्फ बहाना है, किसी और को बचाना है? देखिए, दोनों बातें आपकी सही। आसुरी बहुमत लेकर, माने एक सामान्य बहुमत से ज्यादा बहुमत लेकर कोई सरकार बनती है तो माना जाता है कि बहुत मजबूत सरकार है और विपक्ष इसका कुछ नहीं कर पाएगा। फिर जिस तरह 2014 में जब पहली बार मोदी जी की सरकार बनी तो पार्लियामेंट में कोई भी बात उठती थी तो ये सीधे जो है पुराने कागजों को लेकर के पार्लियामेंट में खड़े होके मुंह चमका चमका करके जो है कांग्रेस को ध्वस्त करते थे। लेकिन एक बार 5 साल पूरा होने के बाद तो दूसरा कार्यकाल शुरू, और पहले कार्यकाल में इनके नीतिगत निर्णयों की चाहे जो आलोचना हुई हो, जो थोड़ा बहुत सूट बूट का नाम रखा गया हो, लेकिन दूसरे कार्यकाल में तो इनका जो है वो एक चीज जो है बांस बांस को रोकने की कोशिश करते हैं तो दूसरा लीकेज सामने आ जाता है, दूसरा लीकेज रोकने की कोशिश करते हैं तो तीसरा लीकेज सामने आ जाता है। कहने का मतलब है कि इनकी स्थिति यूपीए 2 वाली हो गई है कि जब तक एक घोटाले की बात आती थी तब तक सीएजी एक नया घोटाला लेके सामने आ जाता था। भले उन सब बातों को बाद में फिजिल आउट हो गया कि भाई ये सब जो है वो गढ़ी हुई बातें थी, इसमें कोई दम नहीं था। अब इस बार के कार्यकाल में मोदी जी के ये जो अडानी प्रकरण हो गया है, अभी तो सूट बूट की सरकार से आगे जो चला गया, उसके पहले राफेल में जो अनिल अंबानी प्रकरण हो गया, तो इन सब से जो है इनका काफी डेंट जो है इनके मतलब इमेज में हुआ। और इन्होंने जो एक कहा कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, हमने तमाम लोगों से पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक जीवन होने के कारण सुना है कि भाई और चाहे जो भी हो, मोदी जी बेईमान नहीं है। और फिर यहाँ भारत की जनता आम तौर पर चाहे कांग्रेस के मंत्री हो, चाहे सपा के मंत्री हो, चाहे भाजपा के मंत्री हो, बसपा के हो, डीएमके के हो, एडीएमके के हो, किसी भी पार्टी के हो, बीजू जनता दल के हो, ये सब मान के चलते हैं कि पूरी की पूरी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कोई बताता है, कोई नहीं बताता, कहीं जो है बात खुल के सामने आ जाती है, कहीं नहीं खुल के सामने जाती है। बंगाल में जितने स्कैंडल हुए, उन स्कैंडल में जो है वो तमाम जो है मंत्रियों संतरियों विधायकों सबका नाम है कि नहीं है? अब खाली ये कह देना कि नहीं हमको जबरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है तो अब ये इसमें तो फिर भाई आप, लेकिन आप ठोस बताइए ना। हमने आपसे कहा ना कि राहुल गांधी ने जो जो वहां कहा, राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, तो इसमें क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि विदेशी जो आपके दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं वो इसको जो है समझने में जो है या नोटिस करने में विफल रहे। अब जैसे संजीव भाई ने बताया कि इंग्लैंड में सब कुछ मालूम है भारत के बारे में, वो उस सबको सरकार के लेवल पर मालूम होना एक बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में बहुत से लोग हैं जो आपको मालूम है लेकिन नहीं हमको मालूम, जब तक वो बात सार्वजनिक नहीं होती। और वहां जाके एक सार्वजनिक मंचों से राहुल ने जिस तरह कहा, तो अब वो सबके नोटिस में, पब्लिक के आम पब्लिक के नोटिस में आ गया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि हम जो है वो क्या कहते हैं, भारत में आपके यहाँ दो दलीय प्रणाली है, कभी ये दल आया कभी वो दल आया, हम तो वहां सरकार के साथ साथ भाजपा और आरएसएस से भी लड़ रहे हैं।
हम सरकारी मशीनरी से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये तीनों भी जो है वो क्या कहते हैं सरकार के दुष्कृत्य में और कुकृत्य में जो है मतलब शामिल होके जो है मतलब लड़ रही हैं। तो सवाल इस बात का है कि यहाँ तो सिर्फ 1-to-1 फाइट है कि भाई विपक्ष में दो लोग हैं और जनता के सामने चुना, अब यहाँ तो उनके साथ साथ ये एजेंसी सरकारी एजेंसियां सरकार आपके भाजपा आपके क्या कहते हैं आरएसएस, अब आरएसएस ही एक फोर्स है जो मतलब हर चुनाव में जो है वो मैदान में आगे प्रभावित करता है। अच्छा भाजपा जो है चाहती, उन्होंने कहा कि भारत में दलित आदिवासी मीडिया और बाकी सभी लोग शांत रहें, इसलिए वैसा चाहते हैं ताकि भारत में जो कुछ भी है उसे ले सकें और अपने 4-5 करीबियों को सौंप सकें। अब ये भी उनके मन पर चोट लग गई है क्योंकि अडानी अंबानी तो थे ही, आपके जिंदल भी हैं और भी लोग हैं जिनको जो है ये क्या कहते हैं सौंपना चाहते हैं पूरा बारी बारी से। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी से सहमत हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जमीन में कोई नहीं घुसा है, हमारी एक भी जमीन किसी ने नहीं ली, लेकिन इंडिया को चीन से सतर्क रहने की जरूरत है, वह बॉर्डर पर बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव है। अब ये जो मुख्य बातें थी इसमें कौन सी बात राहुल गांधी ने ऐसी कह दी जो देशद्रोह या भारत के लोकतंत्र के खिलाफ जो है आकर्षित करती है? राहुल ने ये भी कहा कि भाई वहां उन्होंने पेगासस खरीदा है, तमाम विपक्षी दलों की जासूसी कराते हैं, हमारे भी फोन की जासूसी कराई। आप इसका कैटेगरिकल कहिए कि भारत में जो है वो क्या कहते हैं भाजपा और आरएसएस का जो है वो सरकार के उसमें आरएसएस का हस्तक्षेप नहीं है, सारे सरकार जितने भी आपके संवैधानिक संस्थाओं से लेके जितनी भी सरकारी संस्थाएं आप ज्यादा से ज्यादा जगह पर आरएसएस के जो है विचारकों को और उनको जो है मतलब पदस्थापित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जो है उसके इंचार्ज बने, और एक इंचार्ज बहुत ज्यादा प्रभावित करता है अगर आपकी पार्टी का हो तो, क्योंकि वो डेमोक्रेसी अपने यहां नहीं रहने देता, वो ऐसे लोगों को अपने कोर ग्रुप में शामिल करता है जो उसके लाइक माइंडेड हो, जो उसको उसी तरह की सलाह दें उसी तरह के काम करने के लिए विवश करें। एक वाइस चांसलर जेएनयू में आता है तो जेएनयू फ्लरिश करने लगता है, और एक वाइस चांसलर जेएनयू में आता है तो पूरे जेएनयू को डुबा के रख देता है, सारे ट्रेडिशन को नष्ट करके रख देता है। एक और आप कहते हैं कि जेएनयू में जो उन्मुक्त जीवन शैली है उस पर आप एक सवाल उठाते हैं, दूसरी ओर जो है क्या कहते हैं जो आपके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं उसके बारे में आप चुप्पी साध जाते हैं, आपके बाबाओं के बारे में जो तमाम आरोप लगते हैं कि इस तरह जो है उस सेवाओं का और भक्तों का शारीरिक और मानसिक शोषण कर उसमें आप चुप्पी साध जाते हैं। एक नियम सबके लिए होना चाहिए ना, कि ऐसा है कि आपके लिए लागू है हमारे लिए नहीं लागू है। तो ये सारी स्थितियां हैं, इसमें आप कैटेगरी का लेके एक बात का खंडन कर सकते हैं, लेकिन आप तो एक जनरल लेके चले हैं, अब अडानी में क्या खंडन करेंगे आप? कहा तो आज जो है आपके गृह मंत्री ने देख रहे हैं कि पूरे देश में जो है अडानी का, क्योंकि जहां जा रहे हैं वहीं अडानी की बात उठ रही है, गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो उसे ठीक की जाएगी। आज जो है उनका गृह मंत्री का एक बयान जो है वो लहरा रहा है क्या कहते हैं आपके तमाम न्यूज चैनलों पर, तो आप तो अभी तक कह रहे थे कि उनकी कोई गलती नहीं है, अब आपको कैसे इल्हाम हो गया कि अगर कोई गलती हुई है तो ठीक की जाएगी? आप क्या लोया का जो संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, लोया को आप जिंदा कर सकते हैं? हरेन पांड्या को मार दिया गया, उनको आप जिंदा कर सकते हैं? कौशर भी और जो तमाम लोगों का जो फर्जी एनकाउंटर महिलाओं का हो गया कि ये मोदी जी की हत्या करने आ रहे हैं, उनकी ठीक कर सकते हैं? तो सवाल इस बात का है कि आप चाहते हैं कि बस आपके खिलाफ कोई बोले ना और आपकी अनंतकालीन सरकार चले, चाहे वो किम इल सुंग की तरह चले, चाहे सी जी पिंग की तरह चले या किसी की तरह चले, और आपकी कोई जवाबदेही ना हो। अब आप जिस ब्रिटेन के अनुसरण से आपका लोकतंत्र चल रहा है वहां पार्टी के ही आंतरिक डेमोक्रेसी में, और जो है आपके जॉनसन साहब को हटा करके सुनक जो भारतीय प्रधानमंत्री मूल के हैं वो बन गए कि नहीं बन गए? आप तो इटली के नाम से जो है अभी तक छीटा खसी करते हैं, अब वहां तो जो है भारत मूल के जो उनके गुलाम थे उनको प्रधानमंत्री के रूप में उनको स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उनके पास एक बीच में लाए थे एक लेडी को, लेकिन वो बढ़िया विकल्प नहीं साबित हो पाई, और सुनक साहब आ गए, कम से कम लेडी से तो ज्यादा ही कार्यकाल हो गया उनका, और सुनक भारतीय मूल के हैं। तो सवाल इस बात का है कि वहां तो ये स्थिति है कि भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बन गया, यहाँ क्या इटली के मूल का प्रधानमंत्री आप बनने देंगे? तो सवाल ये है ना कि इवेंट फील्ड नहीं है जो आपसे बता रहे हो, जो राहुल ने कहा एक एक शब्द सही कहा, और अगर इनको बहुत बुरा लगता है तो एक एक शब्द का कैटेगरिकल जवाब दें, जैसे कोर्ट में आरोप
प्रत्यारोप लगते हैं तो कैटेगरिकल जवाब आता है, नहीं तो जज साहब पूछ लेते हैं कि आपने इस बात का जवाब नहीं दिया, इस बात का भी जवाब दे दीजिए, उसमें चाहे वकील साहब चुप रह जाए, चाहे कोई भी बनावटी बात कहें या जो भी बात कहें। तो सवाल है कि जहां बहस चल रही है, जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, तो आरोप का जवाब आरोप से नहीं हो सकता, आपको उसका कैटेगरिकल जो है बताना पड़ेगा कि हमने पेगासस नहीं खरीदा। जी आखिरी सवाल आप दोनों से संक्षेप में, क्या वाकई लोकशाही भारत में खतरे में? देखिए ये सवाल के स्पष्ट जवाब देने के बजाय मैं एक सिंपल बात कहना चाहता हूँ कि जो सत्ताधारी जो अभी बैठे हैं वो एक बात को जरूर समझे कि सत्ता आजीवन और लंबे समय तक किसी के पास नहीं होती। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को वो बचाए रखें, नहीं तो अगर ये लोकतांत्रिक संस्थाएं अलोकतांत्रिक हो गई तो इनकी जगह अगर इनके विरोधी सत्ता में आ गए तो वो इतना इनका दुरुपयोग करेंगे कि ये हर प्रतिदिन इनके 400-500 बंदे माफी मांगेंगे और इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। अगर इनके भ्रष्टाचार के मसले खुलने शुरू हो जाएंगे, इसका मैं एक उदाहरण बताता हूं कि जब पंजाब में 2002-03 में अकाली दल की सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार अभी आ गई, तो अमरिंदर सिंह की सरकार ने सरकारी एजेंसियों के थ्रू आदल फैमिली को परेशान करना शुरू कर दिया और खूब मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन जो एजेंसियों के बंदे जो जांच के लिए जाते थे वो उनको क्या कहते थे बादल साहब को पर्सनली कि सर असी तो छोटा बड़ा सम्मान कर रहे हैं सीएम साहब, तुसी जानते हो कैसी हुकूम का गुलाम है, मैंने पता कि तुसी दोबारा सत्ता में आओगे और तुसी जो ऑर्डर दोगे वो असी पालना करके अमरिंदर सिंह के नाल भी यही कराएगा। और वही हुआ 2012 में जब बादल साहब फिर सत्ता में आए, 2007 में जब बादल साहब सत्ता में आए तो अमरिंदर सिंह पे कई मुकदमे दर्ज हुए, अमरिंदर सिंह कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाते रहे, लास्ट में इन्होंने जाके एक गुप्त समझौता किया अकाली दल के साथ। तो मेरा ये मानना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करके अगर आप विपक्ष को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन्हें जेल में भेज रहे हैं, उनको सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं, तो आप ये नहीं समझिए कि आजीवन आप ही सत्ता में रहेंगे। आपका आपकी सत्ता जाएगी, ये आएंगे और वही अधिकारी जो आपके कहने पे इस समय आपके इशारे पे विपक्ष को प्रताड़ित कर रहा है वो इनके इशारे पे वही जाएंगे, कहेंगे सर मुझे सब पता है इनके बारे में और ये कैसे झुकेंगे, कैसे इनको ठीक किया जाता है मुझे पता है, आप आदेश तो दीजिए ना, और वही आदेश फिर उधर से लेने लगेंगे और इनको फिर रगड़ना शुरू कर देंगे। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के मैं समझ रहा हूँ तो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि हम बहुत बड़ा संगठन लेके चलते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी है, तो मैं समझता हूँ कि संघ और भाजपा के तमाम नेताओं को सोचना चाहिए कि कहीं इनकी कारगुजारियां बाद में उनको भी ना भुगतना पड़ जाए, क्योंकि जो लोग इस समय प्रताड़ित हो रहे हैं वो इतने भले मानुष तो नहीं होंगे कि सत्ता में आने के बाद इनको बख्श देंगे, इनको भी ईडी और सीबीआई के दफ्तर तो जरूर दिखाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी विपक्षी दल हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, कांग्रेस थोड़ा सा इस बात को समझती थी, कांग्रेस एक सीमा से आगे नहीं बढ़ती थी, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी अटल बिहारी वाजपेयी इस बात को समझते थे और उसका एक कारण था कि नेहरू के युग के अटल बिहारी वाजपेयी एक नेता थे, नेहरू का उन्होंने कार्यशैली देखी थी, नेहरू की वो आलोचना करते थे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन बाहर में नेहरू का वो बर्ताव देखते थे तो उनको समझ में आता था कि यही लोकतांत्रिक चरित्र है कि जिस व्यक्ति के हम लोकसभा में इतना आलोचना कर रहे हैं बाहर में मुझसे कितने प्यार से मिल रहा है। लेकिन आज क्या प्रधानमंत्री उन सांसदों या उन विपक्षी दलों के नेताओं से प्यार से बात करते हैं जो उनकी आलोचना करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि जो उनकी आलोचना करते होंगे उनके अगले दिन सुबह घर पीईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है,
लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से ही सीखे, अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू से सीखा था ये सब डेमोक्रेटिक एंगल। शायद अगर वो प्योर संघ से सीखते होते और भाजपा से सीखते होते तो शायद वो भी अनडेमोक्रेटिक होते, लेकिन उनका रोज उस कार्यकाल में हुआ था जब कांग्रेस की सत्ता थी और एक लोकतांत्रिक कांग्रेस की सत्ता थी, इंदिरा गांधी भी नहीं थी, इंदिरा गांधी उतनी लोकतांत्रिक नहीं थी, नेहरू पूरी तरह से लोकतांत्रिक थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे काफी कुछ सीखा था। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम अभी जो वर्तमान नेता हैं, मैं तो नहीं समझता कि ये नेता हैं, इनके बारे में बहुत कुछ कहा सकता है कैसे टिकट पा रहे हैं क्या कर रहे हैं, मतलब कि डेमोक्रेसी का कितना इनको नॉलेज है, लेकिन जो संगठन पीछे में है वो इस बात को समझाए कि लोकतांत्रिक संस्थाएं बचाए रखना इनके हित में होगा। कल को संसद में इनके भी माइक बंद किए जा सकते हैं अगर विपक्ष में होंगे तो, संसद में सत्ता पक्ष इनके साथ भी हाथापाई कर सकता है, इनको भी मार्शल थक्के मार के बाहर कर सकता है। जी जी भी सर, देखिए सर, लोकशाही खतरे में तो नहीं है, लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है केंद्र की, वो लोकशाही का लगातार अवमूल्यन करने पर आमादा है। मेरे समझ से जितना हमने 70 साल 71 साल की उम्र में अपने देखा, और प्रयागराज में रहा जहां लोहिया जी का कार्य क्षेत्र था, नेहरू जी के खिलाफ लड़ते थे, और जिस तरह से उन्होंने समाजवादियों को यहाँ सक्रिय किया था एक छोटे से छोटे मुद्दे पर, बाकायदे यहाँ जो है वो क्या कहते हैं, हर इलाके में नुक्कड़ सभाएं होती थी जहां पार्टी के सारे लोग पूरा जो है आप समझिए कि सब चीजों पर प्रकाश डालते थे। अब मान लीजिए सारा उनका स्थान टेलीविजन ने ले लिया, लेकिन टेलीविजन में जब गोदी मीडिया हो गया तो फिर वो सब बातें तो टेलीविजन में भी खत्म हो गई। अब जैसे अडानी प्रकरण ही है, और कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी इसको जिस तरह उठा रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं कि अगर लोहिया जी का जमाना होता तो इस पर अब तक जो है कांग्रेस पार्टी हर इलाके में नुक्कड़ मीटिंग, हर जो है गांव के बड़े बड़े जब मेले बाजार लगते हैं वहां नुक्कड़ वो मीटिंग करके आम लोगों को ये समझाती कि किस तरह जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, और किस तरह अडानी को, किस तरह अंबानी को, किस तरह वो, किस तरह इनकी और नीतियों के कारण ये क्या क्या हो रहा है। अभी भी लोग तैयार हैं निकलने के लिए, बशर्ते कि कोई उनको लेके निकलने के लिए तो जो है प्रेरित करने वाला हो। अब दिशाहीन रूप से क्या कोई निकलेगा आपसे बता रहे, लेकिन अभी भी अगर हो कि 10 दिन 15 दिन का जो है जगह जगह नुक्कड़ मीटिंग हुआ, और एक दिन हो कि भाई अब पूरा शहर जो है आज कचहरी पर चल के ज्ञापन देगा, आप देखिए पैर धरने की जगह नहीं रहेगी उसमें आपसे बता रहे। तो लोकशाही का अवमूल्यन सरकार कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकशाही खतरे में है। क्यों? क्योंकि जनता में इतनी यहाँ ताकत है कि जब अंग्रेजों जैसे निरंकुश लोगों को भगा दिया, यहां से भागने पर मजबूर कर दिया, तो ये सब काले अंग्रेज किस खेत की मूली है। जी शुक्रिया आप दोनों का। तो भारतीय डेमोक्रेसी लोकशाही खतरे में नहीं है, लेकिन उसके मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है। जेपी सिंह साहब की ये समझ है। पूरा वीडियो देखिए, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।